गोवा में आए हो, पार्टी कर रहे हो, लेट नाइट तक सो रहे हो, सही बात है, लेकिन सुबह सुबह बीच का मजा कौन लेगा भाई। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कि नए रिजॉर्ट्स, करंट सिचुएशन, वेदर कंडीशन क्या है, क्राउड कितना आ रहा है गोवा में, जैसे कि बहुत कुछ। आप बने रहे वीडियो की एंड तक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं बीच पे और देखते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या है और बीच पे कितना क्राउड आ रहा है, सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बीच है खाली, लोग नहीं है, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसम की क्या ही बात है। अब बात करते हैं बीच शेक की और देखते हैं क्या सिचुएशन है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं शेक्स का काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, तो ये एक अपडेट कहना चाहूँगा मैं। देख रहे हो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बीच आज लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप गोवा में आते हो लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, ऐसा बिल्कुल ना करो दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग 7 बजे बीच पे आ जाओ। दोस्तों, मैं कांदोलिम से चला था बागा बीच तक और चल चल के बहुत थक गया। मेरे को कौन बोला था जाने को रेंट कार और रेंट बाइक का भी तो टॉपिक कवर करना है भाई। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या प्राइसेस चल रहे हैं और क्या सिचुएशन है इनकी। दोस्तों, आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, आपको 3000 रुपये में थार मिलेगी। और अगर आपको चाहिए कोई दूसरी कार जैसे कि स्विफ्ट, बलेनो, वो भी मिल जाएगी काफ़ी कम दाम में। और ये आपको 2 या 3 नाइट के लिए कम से कम लेना पड़ेगा, एक नाइट के लिए अगर ले रहे हो तो 3500 में पड़ेगी। फिलहाल रेंट अ बाइक की प्राइस चल रही है 350 रुपीज पर डे के हिसाब से। डिटेल्स के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अभी तो वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी आपको एक विला दिखाऊंगा जो बिल्कुल बीच के करीब है, वो भी बिल्कुल कम दाम में। तो चलिए देखते हैं। ये विला 5 BHK है और काफी लग्जरियस है। विला में 12 लोग आराम से रह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किचन एरिया भी काफी स्पेशियस है, बेडरूम भी काफी शानदार है। ऐसे 5 बेडरूम आपको मिलते हैं इस विला में और ये 5ों बेडरूम आपको आएंगे अटैच बाथरूम के साथ और एक एक्स्ट्रा वॉशरूम लिविंग एरिया में, ताकि किसी को परेशानी ना हो। फिलहाल तो ये विला मिल रहा है 20,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से, लेकिन आगे जाकर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अगर आपको इस विला के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 12, 2 मैट्रेस है। अरे यार, कहाँ ले जा रहा है अब ऊपर? चलो देखते हैं ऊपर क्या है। अरे भाई, यहाँ तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर तो जंगी पार्टी हो सकती है यार। विला बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है और बीच के बिल्कुल 3 मिनट करीब। कार और बाइक पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल है। इतना अच्छा विला और पूल की बात ना हो, चलो पूल दिखाता हूँ। क्रिस्टल क्लियर वाटर और हाइजीन का तो बिल्कुल ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, पैकेज के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, आई एम श्योर ये विला आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। दोस्तों, गोवा के रिगार्डिंग हर हफ्ते मैं अपडेट करता रहूँगा, तो मुझसे जुड़े रहिए क्योंकि इतनी डिटेल नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसा मैंने बताया था कि जब भी वो गोवा आए और उन्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। हमसे कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू, जैसा कि मैंने नंबर पिछले वीडियो में दिया हुआ था, इस वीडियो में वो नंबर फिर से मैं दे रहा हूँ। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में मैं एक और सरप्राइज़ लेके आया हूँ। मैंने ऐसी जगह तलाश की है जो 400 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से पर नाइट के लिए रूम देती है और ये 5 मेंबर के ग्रुप के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।